क्या आप जानते हैं हर साल हजारों कंटेनर समुद्र में तूफान के चलते बड़े बड़े जहाजों से नीचे गिर जाते हैं। आखिर समुद्र में गिरे हुए इन कंटेनरों का क्या होता है और इन्हें कैसे ढूंढा जाता है, चलिए जानते हैं। जब भी दो देशों के बीच सामान का आयात या निर्यात होता है तो जहाजों को हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में समुद्र में तूफान आने पर कई बार ये जहाज खाली ही दूसरी जगह पर पहुंचते हैं और ऐसे ही खराब मौसम की वजह से हर साल 15,000 से भी ज्यादा कंटेनर पानी में गिर जाते हैं। तो आखिर जहाज समुद्र में गिरे हुए कंटेनर को वापस क्यों नहीं उठाता? तो दोस्तों, एक बार कंटेनर जहाज से गिर जाए तो उसे वापस लोड नहीं किया जाता, क्योंकि एक कंटेनर की वजह से बाकी कंटेनर के गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। इनमें से बहुत से कंटेनर पानी में डूब जाते हैं, वहीं कुछ तो तैरते हुए किनारों पर पहुंच जाते हैं और इंसानों के हाथ लग जाते हैं। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें।